तो आज हमें पढ़ना है प्रॉस्पेक्टस। वैसे आप लोगों ने प्रॉस्पेक्टस का वर्ड सुना होगा कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। जैसे किसी कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस होता है, किसी यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस होता है, किसी इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉस्पेक्टस होता है। तो रियलिटी में वो प्रॉस्पेक्टस होता क्या है और उसका क्या इस्तेमाल है। हम कॉलेज का वगैरह कॉलेज का या यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस तो हम लोगों ने देखा ही है। जो कंपनी में प्रॉस्पेक्टस होता है वो क्या है, तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि कंपनी में शेयर्स इशू होते हैं। आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया। आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया। तो यहाँ पर लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 डिफाइंस ए प्रॉस्पेक्टस एज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशू एज ए प्रॉस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट। चलिए, तो अभी इसमें से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में हिंदी में समझते हैं। जो प्रोस्पेक्टस यहाँ पर 1956 में जो कंपनी एक्ट था वो था सेक्शन 2 सबसेक्शन 36, लेकिन जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें सेक्शन 2 का सबसेक्शन 17, उसमें 36 है। तो जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें ये 17 सबसेक्शन है। तो उसमें क्या लिखा है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जिसका डिटेल या इशू प्रॉस्पेक्टस के फॉर्म में किया गया हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी डिटेल या प्रकाशन या इशू उस प्रॉस्पेक्टस के फॉर्म में किया गया हो जिसमें कि इसमें कि करंट 32 में, मतलब कि एक धारा है कंपनी एक्ट की 32, धारा 32 में रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस और धारा 31 में डिफाइन सेल्फ प्रोस्पेक्टस या कोई नोटिस या कोई गस्ती लेटर या कोई एडवर्टीजमेंट या कोई अन्य लेटर शामिल। इस तरह से इसको समझिए कि कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 और सब धारा सब सेक्शन 70 के तहत प्रोस्पेक्टस का मतलब किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से है जिसकी डिटेल या इशू प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में किया गया, और इसमें जो सेक्शन 32 में जो लिखा हुआ है रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस और जो सेक्शन 31 में लिखा है सेल्फ प्रोस्पेक्टस या कोई नोटिस या कोई एडवर्टीजमेंट या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट शामिल हो सकता है। अब उस डॉक्यूमेंट्स में क्या हो, जिसमें से जनता के पब्लिक के किसी भी इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ आपके शेयर प्रेफरेंस या डिबेंचर्स इनसे लेकर के हैं, पर सिक्योरिटीज के परचेजिंग या सेलिंग के लिए, परचेजिंग या सेल के लिए क्या हो इनविटेशन। तो एक इसमें यहां पर देखिए इसमें लिखा हो क्या है, प्रोस्पेक्टस इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक और इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कि आप कंपनी के द्वारा कोई भी ऐसा लेटर नोटिस विज्ञापन एडवर्टीजमेंट कुछ भी ऐसा इशू किया गया हो जिसमें कि पब्लिक से द्वारा ये मांगा गया हो कि हम आपको शेयर इशू कर रहे हैं और आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तो ये जो लेटर या नोटिस या जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इशू करेंगे वो कहलाएगा आपका प्रॉस्पेक्टस, या इसको हम जनरल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए जो पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड योर प्रॉस्पेक्टस। कंपनी के शेयर खरीदने के लिए जो पब्लिक को इनवाइट किया जाता है वो आपका प्रॉस्पेक्टस
कहलाता है, ये सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए। ठीक, अब जब कंपनी किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी इशू करती है, जब किसी सिक्योरिटी इशू करती है तो उसमें क्या होता है, कोई भी प्रोस्पेक्टस जिसके द्वारा पब्लिक को सेलिंग या परचेजिंग का इनविटेशन दिया जाता है उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस इसको बोलते हैं, डीम्ड माने होता है गर्भित, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की वैसे शायद हिंदी होती है प्रवीरण या विवरण, विवरण ऐसे कुछ होती है। अब देखिए प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को आमंत्रित किया जाता है शेयर खरीदने के लिए। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और इन रिलेशन टू एन इंटेंडेड कंपनी। जो इन्विटेशन है वो कंपनी या कंपनी के बिहाफ पर कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्विटेशन बनाया जाता है। द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज, जो इन्विटेशन है जो आमंत्रण है वो सब्सक्राइब करने के लिए या परचेज करने के लिए होता है। इसके अलावा द इन्विटेशन मस्ट रिलेट टू शेयर्स और डिबेंचर और सच अदर इंस्ट्रूमेंट। जो आमंत्रण है, जो इन्विटेशन आप देते हैं पब्लिक को, उसमें क्या, या तो शेयर के लिए होगा या डिबेंचर्स के लिए होगा या प्रेफरेंस शेयर के लिए, मतलब ये बॉन्ड के लिए होगा, कोई भी ऐसा सिक्योरिटी आप इशू करेंगे पब्लिक के लिए। तो इन्विटेशन टू पब्लिक, आपको यहाँ पर पब्लिक को इन्वाइट करना है। ये मैंने जो यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं ये आपके प्रॉस्पेक्टस में होते हैं। अब कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पर आपको इसकी जरूरत नहीं होती। वो कौन सा केस है, पहला वेयर ए पर्सन इज ए बोनाफाइड इनवाइटेड टू एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद रिगार्ड टू शेयर और डिबेंचर्स। मतलब कि कोई एक ऐसा पर्सन बोनाफाइड, जो बोनाफाइड इनवाइटी होता है, मतलब कि किसी के द्वारा प्रमाणित होता है कि वो उसका एग्रीमेंट है और वो चाहे तो वो शेयर से संबंधित या अपना वो ले सकता है, उसको ये खरीदने की उसकी जरूरत नहीं होगी, प्रॉस्पेक्टस की डिटेल की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी अगर कोई ऐसा पर्सन हो। दूसरा वेयर द शेयर और डिबेंचर आर नॉट अफेक्टेड टू पब्लिक। अब अगर आप पब्लिक के लिए इशू नहीं कर रहे हैं जिनसे पब्लिक को कोई भी नुकसान नहीं होता, उनसे कोई पब्लिक प्रभावित नहीं होती, तो वहां पर भी आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा वेयर द इशू रिलेट्स टू शेयर्स और डिबेंचर यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट विद द शेयर्स और डिबेंचर ऑलरेडी इशूड एंड डील्ड इन और कोटेड एट ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसे शेयर या डिबेंचर इशू किए हैं जो एक जैसे हैं। एक सेकंड, ये किसी ने मुझे कहा कि अनेबल टू ज्वाइन, कौन है बेटा, फिर से आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। शनि, हाँ बेटा आप ज्वाइन कर लीजिए, मे बी हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। मैं जरा इसको मैसेज कर देता हूँ। तो जहां पर आपने एक जैसे शेयर इश्यू किए हैं जो कि पहले से हैं और उनको कोट किया गया हो स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स निफ्टी चलती है, अगर उनमें उनको कोट किया गया हो तो आप वहां पर भी प्रॉस्पेक्टस को इश्यू करने की जरूरत नहीं। एंड वेयर द शेयर और डिबेंचर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑफ शेयर और डिबेंचर्स रेस्पेक्टिवली। अगर पहले से ही आपका कोई शेयर या डिबेंचर होल्डर है तो उसको दोबारा से प्रोस्पेक्टस, अगर वो दोबारा और खरीदना चाहता है तो उसको फिर दोबारा से आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। वेयर एनी प्रोस्पेक्टस इज पब्लिश्ड एज ए न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ऑर्डिनरीली कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। कभी कभी आप अपने पूरे प्रोस्पेक्टस को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, तब भी आपको उस केस में आपने वो जनरल एक दे दिया है कि आपको सबके लिए हो गया, न्यूज़पेपर का मतलब आपके जनरल पब्लिक के लिए हो गया, अनाउंस कर दिया आपने, तो उस केस में भी आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट बी नेसेसरी टू स्पेसिफाई द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम
or the names, etc., or the signatory of the memorandum or the number of shares subscribed by them. Section 6. However, the guidelines issued by SEBI as to code of advertising must be adhered. आपने कभी कभी देखा होगा कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि उसमें फुल डिटेल नहीं होती है कंपनी की। न्यूज़पेपर जब वो कई लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे मेरे ख्याल से, तो उसमें न्यूज़पेपर में फुल डिटेल नहीं होती है। जब फुल डिटेल नहीं होती है तो आपको क्या है, हम एक एडवाइस दी जाती है कि जब कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो उसमें आप प्रोस्पेक्टस जरूर देख लें, क्योंकि न्यूज़पेपर में कंपनी की जो पुरानी डिटेल होती है वो नहीं दी होती, वो दी होती है आपके प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस में आपकी सारी डिटेल दी होगी। अगर कंपनी ने न्यूज़पेपर में वो इशू कर दिया है तो एक वो ऑनलाइन अपना जो भी होगा उसमें डाल देंगे, लेकिन सेबी की गाइडलाइंस पूरी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में डाल देंगे सेबी के लिए, उसको उस समय प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी कंपनी के उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो ये है आपको कुछ कंडीशन जहां पर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है और उसमें क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है उसमें डेट जरूर होनी चाहिए। जब आप रजिस्ट्रार के पास भेजते हैं अपने प्रोस्पेक्टस को, जब कोई भी प्रोस्पेक्टस एक कंपनी के द्वारा या कंपनी की ओर से तब तक पब्लिक को इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके साइन ना हो और उसमें उसके एडवर्टीजमेंट की डेट ना पड़ी, ठीक है ना। तब तक वो रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजाएगा और ना ही उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसी के बाद से वो पब्लिक के लिए इशू किया जाएगा, ना कि आपका अगर आपके उसमें पब्लिकेशन की डेट नहीं थी, मतलब प्रकाशन की डेट नहीं डाली है, तो फिर आप उसको इशू नहीं कर सकते। पहले क्या है, पहले आपको डेट डालना पड़ेगा, डेट डालने के बाद आपको उसमें सारे मेंबर्स के साइन होंगे, सारे मेंबर्स के साइन होने के बाद जो कंपनी रजिस्ट्रार है उसके पास वो प्रोस्पेक्टस जाएगा और फिर वो इसको ऑथराइज और अप्रूव कर देगा, तब जा करके कहीं आपको वो इशू होगा। और जिस डेट में रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जब उसको फाइनल करेगा, तब जाकर के आपको वो माना जाएगा। अगर रजिस्ट्रार जब तक उसको अप्रूव नहीं करता है उसके पहले ही अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं इस उम्मीद से कि रजिस्ट्रार तो कर ही देगा, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, वो आपका वैलिड नहीं होगा। अब देखिए इसके साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं, इसके साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, वो क्या हो सकते हैं। पहला, अगर किसी स्पेशलिस्ट की कोई एक्सपर्ट है, अगर आप उसका कोई लगाना चाहते हैं तो उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, उसका एक एग्रीमेंट कि अगर कोई एक्सपर्ट है आपने उसमें डिफाइन किया हुआ है तो आप उसका एग्रीमेंट हो, ठीक। यदि प्रॉस्पेक्टस को जनरल कंडीशन में इशू किया गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी जिसके बेस पर मैनेजिंग डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है उसकी एक कॉपी लगेगी, ठीक। या कुछ ऐसे अदर कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो कंपनी जनरल बिजनेस की कंडीशन में ना करता, मतलब कि जो उसका जनरल है अगर उससे इधर उधर भी करना, जो उसके मेमोरेंडम आप एसोसिएशन में नहीं दिया है और फिर भी वो उसमें कर रही है, तो उसकी भी एक कॉपी लगेगी उसमें। यदि प्रॉस्पेक्टस में कोई भी लीगल एडवाइजर, ऑडिटर, अटॉर्नी, बैंक या ब्रोकर अगर किसी का भी नाम उसमें दिया गया है तो उसका रिटन में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ मैं इस कंपनी में एज ए लीगल एडवाइजर, ऑडिटर या जो भी है इस तरह से किस पोस्ट पर या किस एस्पेक्ट में आप उससे कनेक्टेड हैं, उसकी एक कॉपी भेजी जाएगी, ठीक। साथ ही
जितने भी उसमें मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के जो सैलरीज हैं और उनसे रिलेटेड उनके कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एक कॉपी भेजी जाएगी। साथ ही जिस प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस में आपको जिस फॉर्म पे आपको शेयर खरीदने हैं, वो फॉर्म का एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसकी एक कॉपी उस प्रोस्पेक्टस के साथ लगी होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपके उसमें प्रोस्पेक्टस के साथ भेजनी पड़ेगी आरओसी के पास, तब जा करके वो उसमें से साइन करेगा। तो चीजें हैं जो सारी चीजें हमने बता दी, इसमें क्या क्या होना चाहिए। मेन चीज है डेट जरूर हो पड़ी हो। अगर डेट नहीं पड़ी होगी ना कि आपका किस दिन से आप उसमें पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो फिर वो नेगलेक्ट माना जाएगा। अगर उसके पहले की कोई डेट में अगर कोई इशू होता है तो फिर वो आपका दिक्कत कर सकता है। और जिस रजिस्ट्रार के पास ये भेजी जाती है, जब ये रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है और वहां से जैसे ही रजिस्ट्रार ने उसको अप्रूव कर दिया, तो ये नहीं कि आप उसको लेकर के बैठ जाएं, उसको विद इन द 90 डेज, आपको 90 दिन के अंदर अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को इशू कर देना है और प्रोस्पेक्टस को भी इशू कर देना है। अगर आपने वो प्रोस्पेक्टस 90 दिन के अंदर इशू नहीं किया पब्लिक के लिए, तो उसके बाद उस प्रोस्पेक्टस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसा समझा जाएगा कि इसके लिए अब इस पुराने जो 90 दिन के बाद है, तो अगर 90 दिन के बाद आपने 91वें दिन इसका किया, तो ये माना जाएगा कि उसकी कॉपी आपने रजिस्ट्रार को नहीं भेजी थी। भले ही वहां से अप्रूव होकर के आई हो, लेकिन 91वें दिन अगर आप उसी को करेंगे, तो आपको दोबारा से उसको रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि उसी पुराने में पहले तो एक बार कर चुका है, हम उसको 3 महीने बाद ये कर रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं जो हमारे पास प्रोस्पेक्टस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास प्रोस्पेक्टस है वो कितने प्रकार के, तो हमारे पास प्रोस्पेक्टस है 2 प्रकार के। एक है सेल्फ प्रोस्पेक्टस और दूसरा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। हमारे पास 2 तरह के प्रोस्पेक्टस हैं। ठीक। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज और देख लें कि किस केस में रजिस्ट्रार मना कर सकता है उनको प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करने से, यदि उसमें डेट ना दी गई हो। अगर डेट नहीं दी होगी तो रजिस्ट्रार उसको इशू करने से रोक सकता है। इट डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 56 एज टू द मैटर्स एंड रिपोर्ट्स टू बी सेट आउट इन इट। जो सेक्शन 56 56 की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो उसमें नहीं है तो वो भी हो जाएंगी, रजिस्ट्रार इशू नहीं करेगा। इट कंटेन्स स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट एंगेज और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर इसमें से, जैसे आपके ने पीछे बताया ना कि जो एक्सपर्ट है, लीगल एडवाइजर है, ऑडिटर है, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो उसमें होना चाहिए और नहीं है, तब भी उस केस में रजिस्ट्रार उसको रिफ्यूज कर सकता है। एंड इट इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट परपोर्टेड टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट विदाउट स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन एंड हैज नॉट विदड्रॉन हिज कंसेंट टू द मैनर ऑफ इट्स इंक्लूजन देयर इन। अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी एक्सपर्ट के बिना, एक्सपर्ट ने उसको कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि पहले दिया था और बाद में मैंने अगर अपना कंसेंट वापस ले लिया और उसमें मैं आगे नहीं करना चाहता हूं, तो अगर इसका भी उसमें कंसेंट नहीं है, तो फिर वो उसमें भी इशू नहीं करेगा। नाउ इट डज नॉट कंटेन कंसेंट और राइटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 16 हैज बीन फाइल्ड और डज नॉट कंप्लाई विद रिगार्ड टू द फैक्ट दैट ए कॉपी ऑफ इट हैज बीन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। क्या कह रहा है कि जो डायरेक्टर के साथ उनका डायरेक्टर जो रिटर्न में जो कॉन्टेक्ट देते हैं, जो उनका एग्रीमेंट है, अगर वो नहीं है और उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास नहीं है, तो फिर उससे रजिस्ट्रार जो है उसको रिफ्यूज कर सकता है। इट इज नॉट अकम्पनीड बाय द कंसेंट इन राइटिंग द ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, अटॉर्नी, सॉलिसिटर, इशू हाउस, बैंकर, मैनेजर्स और इशू ब्रोकर इफ नेम्ड इन पर्सन इन दैट कंपनी। अगर किसी इनमें से, जैसे कोई भी एक्सपर्ट है, लीगल एडवाइजर है, ऑडिटर है, अटॉर्नी है, सॉलिसिटर है, बैंकर है, ब्रोकर है, मैनेजर है, अगर उनका कहीं उसमें नाम दिया है और उनमें से किसी का नाम देने के बाद उनका एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में भी
वो उसको रिक्यूज कर सकता है। अब बात करते हैं सेल्फ प्रॉस्पेक्टस की। तो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? अब एक्चुअली सेबी ने डिसाइड किया है, अकॉर्डिंग टू सेबी, किसी भी क्लास की कंपनी को जो सिक्योरिटी के फर्स्ट प्रपोजल की कंडीशन में रजिस्ट्रार के पास सेल्फ प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर करवा सकती है। किसी भी क्लास की कंपनी हो, सिक्योरिटी मतलब कि शेयर या डिवेंचर आप जो पहली बार जो भी इशू कर रहे हैं, के फर्स्ट प्रपोजल के कंडीशन में रजिस्ट्रार के पास आप सेल्फ प्रॉस्पेक्टस को रजिस्टर करवा सकते हैं। और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, उसमें क्या होता है, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस में वही डिटेल्स होती हैं जो कि एक जनरल प्रॉस्पेक्टस में होती हैं। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस में सभी डिटेल्स वही होती हैं जो कि एक जनरल प्रॉस्पेक्टस में होती हैं। और साथ ही इसकी लायबिलिटी भी, लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी भी सेम वही जो हमारे पास प्रॉस्पेक्टस होता है उसी के अकॉर्डिंग होती है। और जो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, उसकी वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होती है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस है, उसकी वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा नहीं होती। जो और इसके साथ ही सिक्योरिटी के जो फर्स्ट प्रपोजल, मतलब कि जो आईपीओ इशू किए जाते हैं, सिक्योरिटी के फर्स्ट प्रपोजल की डेट से वो 1 साल की टाइम जो है चालू होता है। मतलब कि जैसे आपने 1 मार्च 2021 को सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू किया, तो इसके बाद 30 अप्रैल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, खत्म हो जाएगी। उसमें वो डेट पड़ी होती है, मैंने बताया ना कि प्रॉस्पेक्टस में डेट बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हाँ एक चीज, अगर इस टाइम ड्यूरेशन में, अगर इस टाइम ड्यूरेशन में आपने दोबारा से कोई प्रपोजल दिया है जो कि ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में है और आपने पहले नहीं किया था, तो फिर से आपको दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होगी। बशर्ते कि उसकी डिटेल आपके प्रोस्पेक्टस में हो और आपने अभी तक ना किया हो, तो उस 1 साल के अंदर आप उसको दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर कराने वाली कंपनियां, यदि एक टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि जो डिसाइड टाइम ड्यूरेशन है, उसमें समय समय पर सिक्योरिटी एक्सचेंज को प्रपोज कर, सिक्योरिटी के इशू करने के लिए प्रपोज कर सकती हैं या इशू कर सकती हैं, उन्हें हर बार एक नया प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। हर बार मतलब कि मान लीजिए कि एक प्रॉस्पेक्टस आपने इशू कर दिया सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, उसके बाद 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। आप उस दौरान चाहें तो आपकी जो लिमिट है उसके अंदर आप शेयर इशू, डिबेंचर इशू कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका होता है एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एक होता है इसका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसको बोलते हैं सूचना ज्ञापन। सूचना ज्ञापन इसमें क्या होता है, जो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करने वाली कंपनियों को जो सिक्योरिटी के फर्स्ट प्रपोजल और उसके डिसाइडेड टाइम में होने वाले चेंजेस, जितने भी चेंजेस हैं, उसके बारे में रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर आपने कोई चेंज किया है अपनी सिक्योरिटी के आईपीओस में, प्रॉस्पेक्टस में दिया, अब उसको अगर कोई चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के जरिए रजिस्ट्रार के पास देनी होगी। और इस इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होगा, जो फैक्ट के चेंजेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अगर आपने कोई नया कुछ चेंज किया है तो वो, या कोई आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है तो वो, कोई फाइनेंशियल चेंजेस है, फाइनेंशियल कंडीशन में कोई चेंज है तो उसके बारे में, या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें से जो प्रॉपर चेंजमेंट है आप उसके जरिए उसको कर सकते हैं। और करने के बाद आप उसको रजिस्ट्रार के पास सूचित कर देंगे कि हमने ये चेंजेस हमने किए हैं जो हमने आईपीओ शेयर इशू किए थे। तो उसके बाद रजिस्ट्रार उसको अप्रूव कर देगा, फिर आप उसमें से आगे फिर इशू कर सकते हो। साथ ही अब यदि ये जितनी चीजें हमने चेंजेस बताए हैं, यदि इन चेंजों के होने से पहले कंपनी या किसी पर्सन ने सिक्योरिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी व्यक्ति से कोई भी एडवांस सहित कोई अगर एप्लीकेशन रिसीव किया है, तो
उन व्यक्तियों को इन परिवर्तन की सूचना देंगे। हालांकि जैसे आपने आज चेंज किया कुछ अपने प्रोस्पेक्टस में कि हम अपना प्रोस्पेक्टस का प्राइस चेंज करना चाहते हैं, ये है इस तरह से, और इस चेंज करने से पहले आपके शेयर्स को कोई ले चुका है, आपके शेयर्स को कोई ले चुका है, तो जब ये चेंजेस हो जाएंगे तो आपको उन लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपको उन लोगों की इसकी जो भी आपके नए चीजें हैं, नए सब्जेक्ट हैं, जो भी आपने इंट्रोड्यूस या मॉडिफिकेशन किया है, उसके बारे में भी आपको उन्हें बताना पड़ेगा। तो ये है आपका क्या सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब बात करते हैं रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस कि रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। जो कंपनी सिक्योरिटी पब्लिक को इशू करने का विचार रखती है, जो कंपनी सिक्योरिटी इशू करने का पब्लिक के लिए सोचती है, वो प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले एक रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। मान लीजिए कि अभी उसने सिक्योरिटी इशू नहीं किए हैं, लेकिन वो कोई ऐसा सोच रही है कि उसको सिक्योरिटी इशू करने हैं, तो उसके लिए वो पहले रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। इसको समझ लीजिए, इसे पब्लिक को सिक्योरिटी प्रपोजल क्या करके, या आप कहें कि अब लिस्ट जो शुरू होती है उससे कम पहले 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना होता है। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि जो एडवर्टीजमेंट नहीं होता उस तरह से ये होता है। आप एक ये बताइए कि हम ये पब्लिक को ये इशू करना चाहते हैं, हमारे पास ये उसमें सारा लगभग आप डिटेल दे देते हैं ताकि लोगों को आपके बारे में पता चल जाए, लोगों को आपके बारे में पता चल जाए। सो रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस में वे इंफॉर्मेशन दी जाती है जो प्रोस्पेक्टस में है। इसकी लाइबिलिटी प्रोस्पेक्टस के समान ही होती है, पर इसमें क्योंकि हम ये एज मान लेते हैं एडवर्टाइजिंग में तौर पर मानते हैं, तो इसमें जो जारी इशू की जा रही सिक्योरिटी का अमाउंट या प्राइस नहीं दिखाया जाता। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस का यूज है वो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले नोटिस, विज्ञापन, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पब्लिक के बीच में प्रचार करना है, एडवर्टीजमेंट करना है कि हम अपना आईपीओ लाने वाले हैं, हम अपना आईपीओ लाने वाले हैं, ताकि लोग आपके बारे में ज्यादा जानें। एक तो यदि प्रोस्पेक्टस में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दी गई इंफॉर्मेशन में कोई डिफरेंस होता है, अगर कोई डिफरेंस होता है तो इन चेंजेस को प्रोस्पेक्टस में इम्पॉर्टेंट ढंग से दिखाया जाता है। मान लीजिए कि आपने अभी एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें काफी कुछ डिटेल नहीं होती है, और आपका जो प्रोस्पेक्टस है अगर उससे डिफरेंट हो, अगर आप उसमें कुछ डिफरेंट है, तो आपको उसको अंडरलाइन, बोल्ड या इम्पोर्टेंट ढंग से कुछ कहीं भी उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किया जाता है? ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी ये अनुमान लगा सके कि वो किस प्राइस पर और किस कंडीशन पर पब्लिक के लिए शेयर इशू कर सकती है, किस प्राइस पर या किस कंडीशन पर पब्लिक के लिए शेयर इशू कर सकती है। अब एक चीज और होती है, अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है और प्रोस्पेक्टस में है, तो वो भी आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो भी उन्हें रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होगा, इसमें वही एक्सपर्ट की रिटन एग्रीमेंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इंपॉर्टेंट तो उनकी कॉपी, इसके अलावा जो ऑडिटर होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं, अगर उनके साथ कोई आपका कांटेक्ट हुआ है या कुछ प्लानिंग है तो उसका डिटेल, उसकी कॉपी, साथ ही जो आपके कंपनी के मेंबर हैं उनके एग्रीमेंट की एक कॉपी, और साथ ही प्रॉस्पेक्टस के अंत में एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा होना चाहिए जिसको लेकर के हम शेयर खरीदते हैं, ये एक एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो ये है आपका क्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। आप प्रॉस्पेक्टस की जो कंटेंट है उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। पहली बात, नाम पता, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय, मुख्य सचिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, और सब इनके बारे में डिटेल, जिस दिन आप शेयर इशू कर रहे हैं वो डेट और उसके बंद होने की डेट, कब तक शुरू की जाएगी, कब तक चालू हो जाएगी,
उसकी डिटेल में, साथ ही जो उसका संचालक मंडल या डायरेक्टर या उसके मेंबर होंगे उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट, जैसे उनके खाते कहाँ हैं, पिछले इशू कहाँ से हुए थे, किस बैंक से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, इस सब के बारे में। साथ ही जो अंडरराइटिंग है, जो अंडरराइटर हैं उनके इशू करने का नाम, पता, ईमेल, फोन नंबर, इन सब की कितनी राशि का है, इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग अभिगोपन, ठीक, इसका डिटेल होना चाहिए। साथ ही सभी के एग्रीमेंट, मेंबर, ऑडिटर, एक्सपर्ट, मर्चेंट बैंकर, लीगल एडवाइजर, अगर न्यासी है कोई तो उनकी भी एग्रीमेंट, ये सारा। साथ ही उसको इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है, मतलब कि आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है, इसका भी डिटेल उसमें होना चाहिए। साथ ही जो सिक्योरिटीज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन और इशू करने की जो एक टाइम टाइम आप करते हैं ना कि हम फर्स्ट मंथ में इतना करेंगे, सेकेंड मंथ में, उसकी टाइम टेबल, ये भी उसमें होनी चाहिए। साथ ही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो भी एक प्रॉपर ढंग से, इसमें ऑथराइज्ड कितनी आपके पास पेड कैपिटल है, कितना आपका शेयर प्रीमियम है, कितना आपका शेयर कैपिटल है, ये सब उसकी डिटेल, और करंट में आप कितना इशू कर रहे हैं उसकी क्या है, पिछले दो तीन साल में आपने क्या किया है उसका क्या है, किस मूल के आपने किए थे, प्राइस में किए थे, ये सब सारा। साथ ही आप किस पर्पज से शेयर इशू कर रहे हैं इसकी भी डिटेल और इसकी कंडीशन होनी चाहिए। कंपनी के स्टेटमेंट, मिशन वगैरह भी उसमें होना चाहिए, उसका जो बिजनेस है उसके बारे में भी एक डिटेल होनी चाहिए, ये सब कुछ डिटेल उसमें आपका होना चाहिए। जो उसके कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी भी डिटेल्स उसमें हो, जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और जो रिपोर्ट्स हैं वो भी उसमें होनी चाहिए। जो कंपनी के मेंबर्स हैं या कंपनी के नाम पर जो उनको चला रहे हैं, जो ऑथराइज पर्सन हैं, उनको सही से फॉलो किया गया है, इसका एक डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन होगा कि आप इसमें से ये कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब आपका प्रॉस्पेक्टस में होता है, ये सब आपका प्रॉस्पेक्टस में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगर यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। आपकी दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, और मेरे को सही टाइम पे छूटा है, तो अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, बाकी लोग चाहें तो लिख करके दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो क्वेरी के लिए रुक सकते हैं। साथ में ही सभी लोग प्लीज अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो अपना लिखते हैं या बाद में आए हैं, मैं नाम एक बार बुला रहा हूँ, जिनके नाम मैं बुला रहा हूँ मतलब कि यहाँ पर लिखे हैं, जिनके नाम कॉल नहीं किए वो अपना नाम लिखते हैं। आर्निका सिंह, श्यामजी दुबे, कल्पना गौतम, शिवांगी राजपूत, श्रेया अग्निहोत्री, पुष्पेंद्र राठौर, नंदिनी सिंह, स्वाति मिश्रा, श्रुति दुबे, सानिया पाल, नीलेश पाल, ऋषि अरोड़ा, उमा कुरैशी, अजय कुमार, मुस्कान वर्मा, जेसी कटियार, डॉली यादव, प्रिया कुशवाहा, अंबानी गुप्ता, नबील हैदर, प्रशांत कुमार सिंह, शिखा यादव, राशि श्रीवास्तव, हर्ष दुबे, मनप्रीत कौर, रितिका बक्कर, हर्ष दुबे, यशनी, आदित्य, शिवानी, मुस्कान, श्रेया, श्रुति। अब इनके अलावा अगर और कोई हो तो बता दें मुझे। हेलो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर, पांच मिनट वक्त करता हूँ, फोन कर। घर से कुछ मंगाना तो नहीं है? अरे तुम सामान बताओ पहले, ये ना पूछ कर क्वेश्चन पहले। और कुछ सामान लेगा ना? कितना बड़ा है वो, कहाँ रखा है? और कुछ?
साथ में। चलो ठीक है, तो ऐसा करना थोड़ा चावल ले आना और एक मसाले वाला डिब्बा होगा वो ले आना, अरे जिसमें मसाला रखा जाता है कुछ। हाँ हाँ अरे वो मिला था हमें शादी में, मिला था वो हुआ कार्ड में रखा उसको। हाँ हाँ खाली है भाई।